मैंने धनिए को साफ कर लिया है और पानी में धो लिया है। ये आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, जितना चटनी बनाना चाहते हैं, धनिया, टमाटर और हरी मिर्चे, और उसी हिसाब से इसमें सेंधा नमक डलेगा। हमारी धनिया की, टमाटर की और हरी मिर्च की चटनी बन गई है। ये आलू मैंने उबाल लिया है और फिर छील लिए हैं, और कढ़ाई रख के इसमें तेल गरम करेंगे। ये एक पाव का पैकेट कुट्टू का आटा है, आप अपने आवश्यकता अनुसार इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये एक पाव कुट्टू का आटा और ये इतने आलू चार लोगों के लिए काफी होते हैं, चार पांच लोगों के लिए। इसमें एक चम्मच सेंधा नमक डाल दिया। फ्रेंड्स, अगर आपको तीखा खाना ज्यादा पसंद है तो मिर्ची काट के भी डाल सकते हैं या चॉप करके भी डाल सकते हैं क्योंकि आटे में, पर हम ज्यादा मिर्ची नहीं खाते, तो जितनी चटनी में है इतनी इनफ है हमारे लिए। आप चाहते हैं काली मिर्च डालना तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। पानी भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके आवश्यकता के अनुसार डालना है, ज्यादा एकदम से नहीं डालना है, नहीं तो बहुत पतला हो जाएगा। ये मैंने इसको भी ज्यादा पतला नहीं करा है, ये मैंने आटे के डो की तरह भून लिया है। तो अभी ये तेल गरम हो रहा है, इतने हम इसकी छोटी छोटी टिक्कियां या कटलेट आप जो भी चाहे इसको भून सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा शेप देके रखेंगे थाली में। थोड़ा थोड़ा सा कुट्टू का आटा लेके और ऐसे गोल गोल करके और फिर इसको हथेली से ऐसे दबा दे, ये छोटी छोटी टिकिया बन जाएंगी। तो ये अच्छी तरह से करारी ना हो जाए तब तक हमको सेकनी है पलट पलट करके।